उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के बहादुरपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कलवारी मुस्तहकम में हैंडपंप खराब होने की वजह से बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस पर मैंने 6 माह पहले इशू वीडियो बनाया और वीडियो बनने के बाद हैंडपंप की मरम्मत हुई और हैंडपंप ठीक हुआ। दो हैंडपंप है, एक बिगड़ा एक गंदा निकलता। तो क्या चाहते हो तुम लोग? साफ। आप लोग को साफ पानी चाहिए। समस्या यहाँ पानी का सबसे बड़ा है। पानी यहाँ नल जो है, दो नल हैं, लेकिन इसमें एक खराब है, एक से पानी निकलता, वो भी नहीं अच्छा है। बच्चे उसको पीते हैं, उससे हमें डर लगता है कि कहीं उससे रोग ना हो जाए, डायरिया हो जाए, पीलिया हो जाए, ये सब ग्रस्त हो सकते हैं बच्चे। फिर भी हम लोग उपाय सोचते हैं कि कुछ हो जाए। प्रधान से भी हमने कहा, लेकिन अभी तक उसका कुछ उपाय नहीं हुआ। हम चाह रहे हैं कि उसका माने फिर से उसकी बोरिंग हो जाए, अच्छे से पानी हम लोगों को मिले, रसोइयों को भी पानी मिले, अच्छे से भोजन बने, स्वस्थ बच्चे खाएं, उसे रिष्ट पुष्ट रहें। आप लोग की समस्या क्या थी? नल बिगड़ गया था, बाहर पानी पीने जाना पड़ता था। अब क्या स्थिति है? अब नल सही हो गया, हम ही पानी पीते हैं। कैसे बना? वीडियो कैमरा खींच के गया था 5 महीना पहले, तो जनवरी को लग गया। परेशानी ये थी कि नल के लिए हम लोग बहुत परेशान थे। दो नल होने की वजह से भी हम लोगों को पानी नहीं मिलता था, भोजन कायदे से नहीं बनता था, बच्चे भी दूसरे नल पे जाते थे पानी पीने। इसके बाद विनय भाई आए, वो हम लोगों को इस विषय में बताए और बताए कि हम रिकॉर्डिंग करके ले जाएंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। SMC की बैठक की गई और उसमें वो आए, अपना वीडियो दिखाए, रिकॉर्डिंग जो किए थे उसको दिखाए। हम लोगों ने देखा वीडियो, अरे CDPO की वजह से या माने ग्राम से सेक्रेटरी, ये नल जो है ठीक हो गया था, बनवा दिए थे और अब जो है नल ठीक चल रहा है, बच्चे भी पानी पी रहे हैं, भोजन भी अच्छे से बन रहा है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आए तो देखे, यहाँ नल की स्थिति खराब थी, दोनों नल खराब रहा थे, उसके बाद वीडियो भी हमने देखा तो वहाँ नल खराब थे, तो दोनों नल को बना दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हैंडपंप की मरम्मत हुई और हैंडपंप ठीक हुआ। मैं चाहता हूँ इसी प्रकार से वीडियो बनता रहे और बदलाव आता रहे। मैं विनय कुमार, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, इंडियन हेड के लिए।